नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार वासियों को जल्द ही मिलेगी पावर कट की समस्या से राहत। पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में होगी बढ़ोतरी। जदयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष राज्य का दर्जा देने की फिर की मांग। बिहार में कोविड-19 के मिले एक बार फिर से 1000 से ज्यादा मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सीनियर रेजिडेंट पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। स्वास्थ्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के 1797 पद के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बिहार सीनियर रेजिडेंट भर्ती 2021 के लिए 7 जून से 20 जून 2021 तक bceceboard.bihar.gov.in पर ऑनलाइन मोड में आवेदन भर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से प्रमाणित होना चाहिए। बिहार में कोविड-19 के मिले एक बार फिर से 1000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के कुल मिलाकर 1007 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 9627 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 26, अरवल में 14, औरंगाबाद में 3, बांका में 1, बेगूसराय में 26, भागलपुर में 12, भोजपुर में 5, बक्सर में 5, दरभंगा में 48, ईस्ट चंपारण में 31, गया में 18, गोपालगंज में 34, जमुई में 7, जहानाबाद में 5, कैमूर में 2, कटिहार में 35, खगड़िया में 12, किशनगंज में 32, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 49, मधुबनी में 54, मुंगेर में 67, मुजफ्फरपुर में 37, नालंदा में 9, नवादा में 49, पटना में 71, पूर्णिया में 41, रोहतास में 11, सहरसा में 26, समस्तीपुर में 38, सारण में 35, शेखपुरा में 7, शिवहर में 9, सीतामढ़ी में 13, सिवान में 43, सुपौल में 83, वैशाली में 24, वेस्ट चंपारण में 7 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 12 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1667 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,13,880 सैंपल की जांच की गई है। बिहार वासियों को जल्द ही मिलेगी पावर कट की समस्या से राहत। बिहार की आम जनता को अब बिजली जाने की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। बिहार सरकार की तरफ से बिजली जाने की समस्याओं को देखते हुए इस समस्या से निपटने के लिए बिजली कंपनियां ट्रांसमिशन लाइन का विकल्प तैयार करने का फैसला ले चुकी हैं। इसके तैयार होने के बाद अगर किसी सब स्टेशन में 30 KV की लाइन में कोई फॉल्ट आती है तो पूरे ग्रिड को बंद करने की जगह उस एरिया में दूसरे सब स्टेशन से बिजली दे दी जाएगी। इस तरह पूरे राज्य में एक सब स्टेशन दूसरे सब स्टेशन से जुड़े होंगे। इसके बाद जनता को बिजली जाने की समस्या से पूरी से राहत मिल जाएगी। बता दें कि अभी यह सुविधा राजधानी पटना के कुछ जगहों में लागू की जा चुकी है। इसमें सचिवालय, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आवास और हाईकोर्ट जैसे वीवीआईपी क्षेत्र शामिल है। सरकार अब बहुत जल्द ही वीवीआईपी को दी जाने वाली यह सुविधा आम जनता को भी देने जा रही है। पूर्व मध्य रेल के 58 ट्रेनों में की गई बायो टॉयलेट की व्यवस्था। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल ने 58 ट्रेनों में बायो टॉयलेट की व्यवस्था की है, जिसके तहत अब पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ राजस्व को बचाने में भी काफी सहूलियत होगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पुमरे के LHB कोच में परिचालित होने वाले लगभग 58 ट्रेनों में हेड ऑन जनरेशन सिस्टम लगा दिया गया है। इसमें राजेंद्र नगर टर्मिनल, नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, सहरसा पटना जनहित एक्सप्रेस, गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस सहित अन्य प्रमुख ट्रेन शामिल है। भारतीय रेलवे 2030 तक पूर्व मध्य रेल को जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पौधारोपण। बीते दिन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पौधारोपण किया, जिसके तहत उन्होंने मोहगनी प्रजाति का पौधा लगाकर मिशन 5 करोड़ पौधारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली अभियान रखा गया है। इस अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत पूरे साल भर में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन हरियाली अभियान के फलस्वरूप बिहार का हरित आवरण 9% से बढ़ाकर अब लगभग 15% हो गया है, जिसे 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। अपलाय अपील के तहत होगी बर्खास्त पुलिसकर्मियों की सुनवाई। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार जहां पहले काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर आईजी, डीआईजी और एसएसपी कार्रवाई करते हैं, वहीं इसकी सुनवाई पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर किया करते थे, लेकिन अब इसका अधिकार एडीजी अपील कल्याण विभाग को दिया गया है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है। जारी पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब ऐसे मामलों में अपर पुलिस महानिदेशक कल्याण विभाग को प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा अपर पुलिस महानिदेशक बजट अपील कल्याण विभाग प्राप्त अपीलों पर कार्रवाई के लिए अपने अधीन कोषांग का गठन करेंगे।
पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में होगी बढ़ोतरी। बिहार में पछुआ हवा चलने के कारण बिहारवासियों को गर्मी का सामना आने वाले एक दो दिनों में और ज्यादा करना पड़ सकता है। IMD पटना के मुताबिक अगले एक दो दिन में अधिक गर्मी देखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से कुछ एक जगहों पर स्थानीय तौर पर बादल बन सकते हैं। इस दौरान बूंदाबांदी होने की भी काफी कम संभावना है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि मानसूनी पवन अरब सागर में दक्षिण के इन प्रदेशों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी पार करके उत्तर पूर्व पहुंच रहे हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, जून मध्य में हर हाल में मानसून दस्तक दे देगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून की गति बेहतर है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शिल्पा सिंह की। शिल्पा सिंह का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में 27 फरवरी 1989 को हुआ था। शिल्पा सिंह एक भारतीय गायिका, नर्तकी, मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की शीर्षक धारक है। वो IMC मिस यूनिवर्स इंडिया 2012 में उप विजेता रही। उसने लास वेगास में मिस यूनिवर्स 2012 पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 10 में से 9.6 के स्कोर के साथ साक्षात्कार प्रारंभिक प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहने के बाद सेमीफाइनलिस्ट में से एक बन गई। शिल्पा सिंह ने 2019 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से स्नातक किया था और वर्तमान में गूगल के साथ काम करती हैं। उन्होंने इससे पहले कंप्यूटर साइंस में बीटेक पूरा किया था। अक्टूबर 2012 में सिंह ने IMC 2012 की मूल विजेता उर्वशी रौतेला की जगह ली, जो प्रतिस्पर्धा करने में बहुत छोटी थी। वातावरण को शुद्ध करने में सहायक साबित हो रहा है बायोडायवर्सिटी पार्क। आज के समय में वातावरण को शुद्ध करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। वहीं इसी चुनौती को पूरा करने के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क वातावरण को शुद्ध करने का काम कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गया जिले में यह पार्क 63.85 एकड़ में बनाया गया है। आपको यह भी बता दें, डोभी के पीपलघट्टी के पास वन विभाग के बेकार पड़ी जमीन पर वन एवं पर्यावरण विभाग ने साल 2016 में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया था, जहां विलुप्त हो रहे पौधे को संरक्षित करने और सुरक्षित स्थल बनाया गया था। जानकारी अनुसार इस पार्क में अभी 21 किस्म के फूलदार पौधा, 48 किस्म के औषधीय पौधे, 19 किस्म के फलदार पौधे, 15 किस्म के फाइकस पौधे, 50 किस्म के पाम के पौधे और 11 किस्म के बांस के पौधे और लगभग 90 अन्य किस्म के पौधों को लगाया गया है। बिहार के कई जेलों में SDO और SP के नेतृत्व में हुई छापेमारी। बीते दिन बिहार के कई जेलों में छापेमारी की गई। इस मौके पर SDO और ASP की मदद भी ली गई, जिसके तहत छापेमारी लगभग 3 घंटे तक चली रहने की खबर सामने आई है। मेरी जानकारी के अनुसार पटना के बेउर जेल में की गई छापेमारी में 5 मोबाइल चार्जर और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। मोतिहारी सेंट्रल जेल में मोबाइल, सिम कार्ड और पेन ड्राइव मिला है। वहीं इस दौरान मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई। इसके साथ ही भागलपुर के तिलक मांझी थाना क्षेत्र स्थित शहीद जुब्बा सैनी केंद्रीय कारा और विशेष केंद्रीय कारा में भागलपुर के DM सुब्रत कुमार सेन और SSP नताशा गुड़िया के नेतृत्व में छापेमारी की गई। जदयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष राज्य का दर्जा देने की फिर की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मुहिम उन्होंने शुरू कर रखी है। हालांकि समय के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह मांग धरातल पर नजर आई है, लेकिन एक बार फिर से जदयू की तरफ से विशेष राज्य की मांग देखने को मिली है, जिसके तहत जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार झारखंड विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहारवासियों पर प्राकृतिक आपदाओं का लगातार दंश के बावजूद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है, लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है। अतः विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जदयू की वर्षों लंबित मांग पर विचार करें और बिहारवासियों को न्याय दें। मंगल पांडे ने जल जनित बीमारियों से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी होने की कही बात। जल जनित बीमारियों से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि COVID-19, ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों के अलावा बरसात में उत्पन्न जल जनित बीमारी जैसे डायरिया, कालाजार, सर्दी, जुकाम, फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। इसको लेकर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के अलावा PHC से लेकर अनुमंडलीय और जिला अस्पतालों में भी समय पूर्व आवश्यक तैयारी पूरी कर लेने का आदेश निर्गत किया गया है। शहाबुद्दीन की कब्र को पक्का करने की परिवार की कोशिश में लगी रोक। शहाबुद्दीन की कब्र को परिवार वालों की तरफ से पक्का किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगाई गई रोक के बाद काम को रोक दिया गया है। कब्रिस्तान कमेटी ने कहा है कि नियमों के अनुसार किसी भी शख्स की कब्र को पक्का नहीं किया जा सकता। यहां जमीन की कमी होने की वजह से पक्की कब्र बनाने की मनाही है। मिली जानकारी के अनुसार परिजनों की तरफ से भी पक्कीकरण को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अब 10 जून को शहाबुद्दीन के परिजन और जदीद कब्रिस्तान के सदस्यों की बैठक होनी है। बिहार में जूनियर इंजीनियर के डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों ने उठाई रिजल्ट जारी करने की मांग। बिहार में जूनियर इंजीनियर के डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों ने बीते दिन #DeclareBTSCJEE रिजल्ट्स के साथ रिजल्ट जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने फेसबुक, ट्विटर और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रिजल्ट जारी करने की मांग की। हालांकि 11 जनवरी को ही चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी तक अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है। उनकी तरफ से लगातार आयोग के परीक्षा फल प्रकाशित करने की मांग भी की जा रही है।
अब 5 जुलाई से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ेंगी इंडिगो की फ्लाइटें। दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट अब 5 जुलाई से फिर उड़ान भरने वाली है, जिसके तहत कोलकाता और हैदराबाद के लिए कंपनी ने बुकिंग शुरू कर दी है। इसको लेकर जल संसाधन सह सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा ने खुशी जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि बड़ी खुशखबरी, दरभंगा से इंडिगो की उड़ान 5 जुलाई से शुरू होगी, जिसके बाद अब दरभंगा एयरपोर्ट से कई विमानन कंपनियों की सेवा शुरू होने पर मिथिला को नए शहरों से कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं इसको लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार दरभंगा एयरपोर्ट के विकास को लेकर संजीदा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में 24 जून को अब होगा फैसला। बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुजफ्फरपुर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई, जहां पर सलमान खान समेत 8 हस्तियों के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा दर्ज कराए गए केस में बहस पूरी हो गई है। मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर कुमार ओझा ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में करण जौहर, सलमान खान समेत 8 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने इस बाबत बताया कि सभी आरोपियों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 24 जून को अब सुनवाई होगी। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि अभी तक अभिनेता ने अपनी जान क्यों ली, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। जदयू ने लालू प्रसाद यादव को पुत्र मोह में धृतराष्ट्र होने की कही बात। बिहार की राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का सिलसिला आम है। इतना ही नहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सभी सीमाएं भी हर दिन पार की जाती है। इसी क्रम में जदयू की तरफ से बीते दिन लालू प्रसाद यादव की धृतराष्ट्र से तुलना की गई, जिसके तहत उमेश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए हैं। बिहार के विकास को गलत तरीके से कमतर बताकर जनता के आगे विधवा विलाप कर रहे हैं, ताकि बिहार में फिर से उनका जंगल राज कायम हो सके और उनके पुत्र तेजस्वी यादव को सत्ता मिल सके। इसके साथ उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी परिवार के पाखंड को समझते हुए जनता ने 16 साल पहले ही राजद शासन को नकार दिया था। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए वार्ड स्तर पर टास्क फोर्स का किया गया गठन। बीते दिन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजन करवाया गया था। बैठक में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया, जबकि जिसका उद्देश्य टीकाकरण हेतु लोगों को जागरूक करना एवं प्रेरित करना था, प्रचार प्रसार को गति प्रदान करना, टीकाकरण के प्रति अफवाह एवं भ्रांति को दूर करना, शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करना, टीकाकरण कार्य का अनुश्रवण और समीक्षा करना, समीक्षा उपरांत नई रणनीति के तहत आवश्यकता अनुसार टीकाकरण सुनिश्चित करना, ताकि सरकारी अधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों को सहभागी बनाकर इस अभियान को गति प्रदान किया जा सके। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार भाजपा ने उठाए सवाल। नीति आयोग की SDG इंडेक्स रिपोर्ट पर बिहार भाजपा की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, जिसके तहत भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार का विकास देश के अन्य राज्यों से सबसे निचले पायदान पर है। बिहार का विकास नीति आयोग को क्यों नहीं दिख रहा है? इतना ही नहीं, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने यह दावे के साथ कहा है कि जिसने बिहार का रिपोर्ट तैयार किया है उसने बड़ी गलती की है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर मैं सवाल खड़ा करता हूं। उन्होंने कहा कि इसकी पुनः जांच हो बिहार के विकास कार्य की, जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाकर दी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे करने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य समेत नक्सल प्रभावित राज्यों से भी बिहार का विकास नीचे दिखाया गया है, यह हास्यास्पद विषय है। तेजस्वी ने सरकार पर बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं सरकार को निशाने पर लेने का। इसी क्रम में एक बार फिर से बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र है। यहां 78% बेरोजगार ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं। बेरोजगारी पर नीतीश सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 16 वर्षों की एनडीए सरकार बेरोजगारी बढ़ाने के एक सूत्रीय कार्यक्रम पर ही काम कर रही है। एनडीए सरकार ने चुनाव के वक्त कहा था कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सरकार 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने पेपर की कुछ कटिंग को भी शेयर किया है। टैक्सपेयर अब मोबाइल से आसानी से भर सकेंगे ITR। मोबाइल ऐप से भी अब ITR अब भर सकेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल का अब मोबाइल ऐप भी होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया ई फाइलिंग पोर्टल और ऐप के जरिए अब इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से भरा जा सकेगा। इस नए पोर्टल के जरिए ITR फॉर्म, प्री फाइल्ड इनकम टैक्स, सरल इनकम टैक्स से भी भरे जा सकेंगे। आपको बता दें, इनकम टैक्स विभाग इस समय अपनी नई वेबसाइट पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से 1 से 6 जून तक पुराने पोर्टल www.incometaxindiafiling.gov.in कोई भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और 7 जून से डिपार्टमेंट की तरफ से नए पोर्टल www.incometaxgov.in की शुरुआत की जाएगी। सब कुछ सही रहा तो इसी दिन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ। 1997 में बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया। साल 1946 में बिहार की राजनीति में खास प्रभाव रखने वाले राजनीतिक रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। 1968 में दिल्ली के सातवें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। 1929 में अभिनेता, राजनेता और समाज सेवक सुनील दत्त का जन्म पश्चिमी पंजाब के झेलम वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। दिनेश कार्तिक ने की ऋषभ पंत की तुलना इस खिलाड़ी से। ऋषभ पंत पिछले कुछ मैचों से काफी ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं, यही कारण है कि उनकी तारीफ आए दिन सुनने में मिल जाती है। इसी क्रम में भारतीय टीम के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने ऋषभ पंत की भी जमकर तारीफ की है, जिसके तहत कार्तिक ने इस बल्लेबाज की तुलना सहवाग और गिलक्रिस्ट से की है। दिनेश कार्तिक ने टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत में कहा कि जिस तरह सहवाग और गिलक्रिस्ट विरोधी टीमों पर दबाव बनाते थे, जैसा असर वो विरोधियों पर डालते थे, ठीक वैसा ही ऋषभ पंत कर रहे हैं। कार्तिक ने आगे कहा कि पंत की वजह से ही टीम में लचीलापन आ गया है। उनकी वजह से टीम का एक अतिरिक्त गेंदबाज या बल्लेबाज खेला सकती है। सबसे अहम बात यह है कि वो विरोधियों के दिमाग में खौफ पैदा कर देते हैं, जैसा कि गिलक्रिस्ट और वीरेंद्र सहवाग करते थे। व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के लिए नया फीचर किया गया रोल। व्हाट्सएप ने हाल ही में वॉइस मैसेज के लिए नए फीचर को रोल आउट किया है, जिसके तहत फास्ट प्लेबैक फीचर का लुफ्त अब यूजर उठा सकेंगे, जिसके तहत ही यूजर वॉइस मैसेज की प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फास्ट प्लेबैक फीचर के जरिए किसी की आवाज की पिच को बदले बिना डिफॉल्ट एक गुना सेटिंग के बीच प्लेबैक स्पीड को 1.5 गुना स्पीड या फिर 2 गुना स्पीड के बदले जा सकता है। इसके साथ ही कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इसे इस्तेमाल में लाना काफी आसान है, क्योंकि जैसे ही आप वॉइस मैसेज को प्रेस कर इसे प्ले करेंगे, तभी आपको प्लेबैक स्पीड देखने को मिलेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 गुना पर सेट होता है। प्लेबैक स्पीड को टच करते ही आप इसे 1.5 या फिर 2 गुना की गति से आगे बढ़ा सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,300 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,300 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 96.90 प्रति लीटर और डीजल 90.94 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रीना पासवान, शंकर मुखिया, प्रभुदेव, रोहित कुमार, ऋषि कुमार, डुगू शर्मा, विकी कुमार, आलोक कुमार, प्रेम कुमार सिंह, सोनू सिंह, विद्या श्रीवास्तव, सोनी कुमारी, दिलजीत सिंह, मुस्कान कुमारी, रवि कुमार, सूरज सिंह, धर्मेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार विभिन्न दलों द्वारा बिहार को विशेष राज्य दिलवाने की मांग सही है या नहीं। अपने ये जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।